और इसी बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है। बयान के तहत उन्होंने कहा कि आर्थिक पैकेज के लिए पीएम मोदी का वो धन्यवाद करना चाहते हैं। ये आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर बनाने वाला है। वित्त मंत्री का भी आर्थिक पैकेज के लिए धन्यवाद करते नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज तीसरी किस्त जारी की है और तीसरी किस्त जारी होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया देते हुए शुक्रिया किया है। फिलहाल आपको बता रहे कि वित्त मंत्रालय की तीसरी किस्त पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिएक्शन दिया। गंगा किनारे खेती करने वाले किसानों को फायदा होगा। इसके साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, गंगा किनारे हर्बल खेती का ऐलान एक बड़ी योजना है। भारत के किसानों को ध्यान में रखकर यह योजना बनी है। आर्थिक पैकेज से गांव का विकास होगा, हर्बल खेती की तरफ देश प्रोत्साहित होगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह बयान दिए गए। जिस प्रकार के पैकेज घोषित हुए हैं, यानी लॉकडाउन के तत्काल बाद 1,70,000 करोड़ रुपए का गरीब के लिए, गांव के लिए, किसान के लिए जो पैकेज था, उसके बाद तीसरे चरण के लॉकडाउन के समापन होने के साथ ही जो पैकेज 20,00,000 करोड़ रुपए का आया है, ये वास्तव में एक आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत निर्माण की दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। पहले दिन एमएसएमई और पावर सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए जिस प्रकार की घोषणाएं हुई, वह भारत की वास्तविक ताकत है। लोकल को ग्लोबल बनाने की ताकत को आगे बढ़ाने का ही एक अगली कड़ी है। कल फेरी नीति से आच्छादित होने वाले ठेला, रेहड़ी, खोमचा, पटरी व्यवसायी के साथ साथ माइग्रेंट लेबर को फोकस करते हुए जो घोषणाएं हुई हैं, और आज भारत जैसे कृषि प्रधान देश में भारत के किसानों को ध्यान में रख करके जो घोषणाएं हुई हैं 1,00,000 करोड़ रुपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने और उसके माध्यम से कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई दिशा देने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। पशुपालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए, और जिसको लेकर के हम लोग वास्तव में बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, हर्बल खेती, और वह भी गंगा किनारे के तट पर। गंगा मैया देश के अंदर गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, इसमें से 1000 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के अंदर तय करती है। तो स्वाभाविक रूप से हम लोगों ने अभी पिछले दिनों नमामि गंगे परियोजना के परिणाम स्वरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजना रही है, नमामि गंगे परियोजना, उस परियोजना की सफलता के परिणाम स्वरूप गंगा जी की अविरलता और निर्मलता में जो व्यापक परिवर्तन आया है, इसके लिए व्यापक जागरूकता के लिए हम लोगों ने एक गंगा यात्रा, नमामि गंगे यात्रा का आयोजन किया था। और नमामि गंगे यात्रा का उद्देश्य था कि गंगा जी के प्रति सनातन आस्था को और पुष्ट करने के साथ ही हम गंगा किनारे इस प्रकार की एक्टिविटी को बढ़ावा दें जो आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर सकें। और आज वह पैकेज भी घोषित हुआ है। जब गंगा किनारे हर्बल खेती, 25,00,000 एकड़ क्षेत्र में हर्बल खेती के साथ साथ प्लांटेशन देने की एक बड़ी कार्य योजना को मैंने अभी पिछले सप्ताह ही वन विभाग के साथ एक बैठक की थी, वन और उद्यान विभाग के साथ में, और बैठक में फोकस का बिंदु हमारा यही था कि एक दिन में 25 करोड़ वृक्षारोपण हम करेंगे और गंगा जी के किनारे हम लोग एक दायरे को ले रहे हैं। किसान गंगा जी के किनारे के तटवर्ती क्षेत्रों का जो किसान है, अगर वह किसान अपने खेत के मेड़ में फलदार वृक्ष लगाता है तो हम उसको निःशुल्क पौध देंगे। अगर वह अपने खेत पर पूरी तरह फलदार वृक्ष लगाता है और जैविक पद्धति से इसे आगे बढ़ाता है तो 3 वर्ष तक उसे हम हर महीने कुछ न कुछ एक निश्चित राशि उपलब्ध कराएंगे।
और मुझे लगता है ये हमारे लिए एक नई ताकत होगी, नमामि गंगे परियोजना की सफलता के लिए भी और हर्बल खेती को बढ़ावा देने के दृष्टि से भी, क्योंकि देश के अंदर सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास है, गंगा मैया हमारे पास है, यमुना मैया हमारे पास है, सरयू जी हमारे पास है, राप्ती नदी हमारे पास है और भी ऐसी तमाम छोटी बड़ी नदियां हमारे पास हैं, गोमती नदी हमारी राजधानी से होकर के जाती है। इन सभी के पुनरुद्धार के साथ ही यहाँ पर हर्बल खेती और प्लांटेशन, जैविक पद्धति से प्लांटेशन को आगे बढ़ाने का कार्य आगे बढ़ा है, बढ़ाने का पैकेज आज की उसमें घोषित हुआ है, खासतौर पर पशुपालन और डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो घोषणा हुई है, एमएफडी के लिए जो खुरपका मुंहपका रोग था इसको पूरी तरह समाप्त करने के लिए 13,000 करोड़ रुपए की एक योजना, देश के अंदर 53 करोड़ मवेशियों के लिए टीकाकरण की एक व्यापक कार्य योजना को लेकर के, पशुपालन क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो हुआ है, भारत में जो दूध होगा, दूध का उत्पाद होगा, ये दुनिया के मार्केट में जा सकता है, इस दृष्टि आज का ये घोषणा देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और देश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों को प्रदान करने वाला है। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक कृषि बाहुल्य क्षेत्र रखता है और देश के अंदर सबसे समृद्ध जल संसाधन और कृषि संसाधन की दृष्टि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में देश के अंदर अगर हम देखें तो अकेले उत्तर प्रदेश से 2,34,00,000 किसान इस योजना से लाभान्वित होते हैं और मेरा मानना है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण पैकेज है, स्वागत योग्य कदम है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि निश्चित ही कोरोना संकट से उभारने और कृषि आधारित भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों तक वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में इस प्रकार के पैकेज की एक बड़ी भूमिका होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त। तो वहीं मजदूरों के पलायन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी की सीमा में आने वाले मजदूरों के खाने पीने की व्यवस्था हो, सीएम ने कहा बसों से मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया जाए, ट्रक से मजदूरों को ले जाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई हो। तो आपको बता दें कि जो ट्रकों से लोग ले जा रहे हैं तमाम श्रमिकों को, मजदूरों को, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, इसको लेकर भी निर्देश दिए। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सीमाओं में आने वाले तमाम प्रवासी मजदूरों श्रमिकों के खाने पीने की, उनके रहने की उचित व्यवस्था हो, उनको उनके घर तक पहुंचाने की उचित व्यवस्था हो, ये तमाम निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। देश का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते अपनी सबसे अहम भूमिका उत्तर प्रदेश निभा रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार इसके लिए बेहद सजग नजर आ रही है। यूपी की सीमा में आने वाले मजदूरों को खाने पीने की कोई किल्लत ना हो, यहाँ से उन्हें उनके घर तक पहुँचाने की पूरी व्यवस्था हो, इसको लेकर पूरी कोशिश करें। तो कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए नई शुरुआत की गई है, खांसी जुकाम और बुखार की दवा खरीदने वालों का इकट्ठा होगा ब्यौरा, अब मेडिकल स्टोर से इकट्ठा किया जाएगा ब्यौरा, ब्यौरा रोजाना शासन को भेजा जाने का आदेश है। मेडिकल स्टोर संचालकों को इकट्ठा करना होगा ये ब्यौरा, मामले में ड्रग कंट्रोलर ने जारी किए निर्देश, सभी जिलों को शाम 5 बजे तक भेजना होगा रिपोर्ट, यानी कि अब मेडिकल स्टोर से कोई भी अगर खांसी जुकाम बुखार की दवाई खरीदता है तो उसे अपनी तमाम जानकारी पहले मेडिकल को देनी होगी। मेडिकल स्टोर डेली बेसिस पर शाम 5 बजे से पहले ये जानकारी ऊपर सरकार तक भेजेंगे, एक प्रक्रिया के तहत ये सरकार तक जानकारी पहुंचेगी, इससे कि गेट ट्रेस करना आसान होगा कि देश के अंदर वो तमाम लोग जिन्हें सर्दी खांसी जुकाम जैसे लक्षण हैं, उन्होंने दवाई लेने की के लिए वो मेडिकल पे गए तो वो कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, संदिग्ध हैं, ऐसे में उन सबकी ट्रेसिंग हो सकती है। एक सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, ब्यौरा इकट्ठा करने का, डेटा कलेक्ट करने का एक तरीका है। फिलहाल आपको बता दें खांसी जुकाम सर्दी अगर है तो ऐसे में आपको मेडिकल पर पहुंचने पर हो सकता है अपनी तमाम जानकारियां दर्ज करानी हो। अब हापुड़ से खबर, जहां पर न्यूज़ वन इंडिया की खबर का एक बड़ा असर हुआ, हापुड़ के स्वास्थ्य विभाग ने मचा है हड़कंप, जो अधिकारी कैमरे पर बोलने से मना कर रहे थे अब दिया स्पष्टीकरण, हापुड़ में कोरोना से संबंधित पर्याप्त साधन मौजूद हैं, N95 मास्क, PPE किट, मास्क, सैनिटाइजर, ट्रिपल लेयर मास्क सभी पूरी मात्रा में उपलब्ध हैं,
केप, सूट कवर, ग्लव्स भी मौजूद हैं। जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं सभी के पास पर्याप्त साधन है। न्यूज वन इंडिया ने चलाई थी हापुड़ अस्पताल की हालत पर खबर, और अस्पताल में संसाधनों के उपलब्ध नहीं होने की खबर चलाई गई थी। तब सीएमओ रेखा शर्मा ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया था। अब सीएमओ रेखा शर्मा ने स्पष्टीकरण दे दिया है। तो आपको बता रहे कि जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं सभी के पास पर्याप्त साधन है। न्यूज वन इंडिया की यह खबर चलाई थी हापुड़ अस्पताल की खबर पर। फिलहाल आपको बता रहे न्यूज वन इंडिया की खबर पर संज्ञान लिया है, और जो अधिकारी कैमरे पर बोलने से मना कर रहे थे अब स्पष्टीकरण देते नजर आए हैं। अस्पताल में संसाधनों के उपलब्ध नहीं होने की खबर न्यूज वन इंडिया ने चलाई थी, और बेबाकी के साथ तमाम सवाल रखे थे उस पर। अब यहां पर हड़कंप मचता नजर आया। बलरामपुर में सामने आए 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। 6 नए लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बलरामपुर के अंदर कोरोना मरीजों की संख्या हुई 11। अपर सीएमओ डॉक्टर एके सिंघल ने दी जानकारी। सभी कोरोना पॉजिटिव मरीज जिला मेमोरियल अस्पताल में करवाए गए भर्ती। तो 6 नए लोगों की जांच पॉजिटिव आई है। फिलहाल आपको बता दें बलरामपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 11 हो गई है। बलरामपुर में कोरोना मरीजों की संख्या कुल मिलाकर 11 है। अपर सीएमओ डॉक्टर एके सिंघल ने इसकी जानकारी दी है। तो फिलहाल 6 नए लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अपर सीएमओ डॉक्टर एके सिंघल ने इसकी जानकारी दी। सौरभ मिश्रा बलरामपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, 6 नए लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, और क्या कुछ ग्राउंड पर है स्थिति अभी? जी, बलरामपुर जिले में कोरोना वायरस संक्रमित मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा था कि वायरस बलरामपुर जिले में ना फैले, जिसके लिए बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों को जिले के बॉर्डर पर स्क्रीनिंग का सीधे क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा था। उसके बाद इनका सैंपल लेकर जांच के लिए भी भेजा जा रहा था। कोरोना सैंपल आज की रिपोर्ट में 6 व्यक्तियों के कोरोना सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। ये सभी व्यक्ति अन्य राज्यों में हाल ही में आए हैं। व्यक्तियों में 2 बलरामपुर शहरी क्षेत्र के, 2 शिवपुरा क्षेत्र, 2 गैसरी क्षेत्र के निवासी हैं। सभी पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार L1 हॉस्पिटल जिला मेमोरियल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सभी के क्वारंटाइन ट्रेसिंग की जा रही है। जिले में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। खबर चंदौली से है, जहां पर 2 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। चंदौली में कुल मिलाकर 3 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। चंदौली में लगातार पहुंच रहे हैं प्रवासी मजदूर। तो फिलहाल आपको बता दें 2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कोरोना के 2 पॉजिटिव केस हैं जो कि अभी सामने आए चंदौली के अंदर। कुल मिलाकर 3 कोरोना पॉजिटिव मामले हैं। तो चंदौली में कुल 3 कोरोना पॉजिटिव, चंदौली में लगातार प्रवासी मजदूर भी पहुंच रहे हैं। तो 2 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं चंदौली के अंदर। फिलहाल आपको बता दें कि चंदौली में कुल 3 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। तो चंदौली में लगातार पहुंच रहे हैं प्रवासी मजदूर, और चंदौली के अंदर 2 कोरोना पॉजिटिव केस भी सामने आए। जो चंदौली में कुल 3 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। चंदौली से संवाददाता विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, कुल 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो गए हैं अब चंदौली में, स्थिति क्या है वहां पर? देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि चंदौली में अब तक 3 मरीज जो मुंबई से आए, तीनों को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कल आपको बता दें कि कल स्कूटी से आए थे एक मरीज, और दूसरे 2 लोग और मुंबई से आए थे, और सदर के ब्लॉक में एक बरंग पत्ता है बिसौरी गांव, और कलडिया ब्लॉक में बरंगा, वहाँ 2 और पाए गए। आपको बताया कि प्रवासी मजदूर लगातार आ रहे हैं, और आपको बता दें कि चंदौली बिहार बॉर्डर के समीप है। आप यहाँ पैदल ही कई जो बनारस जिला से मुगलसराय से उतरने के बाद स्टेशन से पैदल ही जा रहे हैं, और लगातार मरीजों जो मजदूर है, प्रवासी मजदूर है, बच्चे हैं, बुजुर्ग है, लगातार जा रहे हैं। और आपको बता दें कि और भी कहीं ऐसा ना हो कि संख्या बढ़ सकती है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो वहीं मेरठ में कोरोना को हराने के वो प्रशासन का बड़ा प्लान सामने आया। जिले में सप्ताह के 2 दिन रहेगा कंप्लीट लॉकडाउन। सोमवार और गुरुवार को मेरठ में रहेगा कंप्लीट लॉकडाउन। गुरुवार को कंप्लीट लॉकडाउन की सफलता के बाद लिया गया निर्णय। बचत भवन में हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद लिया गया फैसला। डीएम अनिल ढींगरा ने नए प्लान की घोषणा की है, और कहा कि संपूर्ण लॉकडाउन से कोरोना को हराने में मदद मिलेगी। गुरुवार के दिन संपूर्ण लॉकडाउन के लिए जनता का भी धन्यवाद किया गया है।
बजट में जो है हमारे नोडल अधिकारी आए हुए थे, उनके द्वारा जो है लॉकडाउन के संबंध में जो है समीक्षा की गई थी कि क्या क्या हम लोग कर रहे हैं। तो उनको हम लोगों ने अपने मेरठ जनपद की पूरी जो है रूपरेखा, जैसे हम लोगों ने सिस्टम बनाया हुआ है उस हिसाब से बताया था, ब्रीफ किया था, तो वो काफ़ी कन्विंस थे। और हम लोगों ने जो कल एक स्टेप उठाया था कि हफ्ते में एटलीस्ट दो दिन हम लोग ऐसे लॉकडाउन किया करेंगे, कंप्लीट लॉकडाउन, क्योंकि कोरोना के संक्रमण को रोकना भी है। तो मंडे और थर्सडे हम लोगों ने डिसाइड किया है, थर्सडे कल चला गया है, अब जो आगामी मंडे रहेगा उस दिन भी हम लोग यही प्लान कर रहे हैं कि इसी तरीके का कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। सिर्फ मेडिसिन हैं या दूध है, उसके अलावा बाकी सब बंद रहेगा। और जो हमारे बैंक हैं वो इंटरनल ऑपरेशन के लिए खुलेंगे, और जो कुछ इंडस्ट्री जैसी हैं जिनको चलना बहुत आवश्यक है, जिनको रोक नहीं सकते, 24 घंटे चलना आवश्यक है, वो रहेंगी, बाकी सब कंप्लीटली लॉकडाउन। काफ़ी अच्छा जनपद ने, जितने भी जनपदवासी हैं सबने सहयोग किया, इसी तरीके से आगे भी मिलेगा और हम लोग जितने विजय पाएंगे। तो कोरोना के हाशिए पर हापुड़ जिला कभी भी फूट सकता है कोरोना बम। आपको बता दें कि आगरा के हालातों को देखकर भी डीएम सुस्त क्यों हैं? सवाल यह है कि कोरोना की लड़ाई लड़ने वालों पर यह संकट है, हापुड़ डीएम आदित्य सिंह क्यों नहीं ले रहे बड़े फैसले? आपको बता दें कि हालातों को और बिगाड़ना चाहते हैं हापुड़ के डीएम, प्रशासन की तरफ से पर्याप्त साधन नहीं, स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए कोरोना बन सकता है काल, जिले के अधिकारियों के पास भी पर्याप्त साधन नहीं है, अधिकारियों के पास सीमित मात्रा में मास्क सैनिटाइजर, प्रशासन की ओर से सीमित पीपीई किट कराई गई है मुहैया, फिलहाल बाजार में बढ़ती भीड़ से बढ़ रहा है कोरोना का खतरा, अस्थाई मंडी में भीड़ के कारण जाम जैसे हालात हैं, सीएमओ रेखा शर्मा कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तो आगरा के हालातों को देखकर भी डीएम सुस्त क्यों हैं? कोरोना की लड़ाई लड़ने वालों पर संकट है, हापुड़ का मामला है, जिले में अधिकारियों के पास भी पर्याप्त सबूत नहीं, फिलहाल आपको बता दें कि पर्याप्त मात्रा में मास्क सैनिटाइजर की कमी के चलते भी संभल में उड़ी सोशल डिस्टेंस की धज्जियां, सड़कों पर निकले 50,000 मजदूर। आपको बता दें भट्टा मालिक पर बिना भुगतान के मारपीट का आरोप लगाया गया, भट्टा मालिक ने मजदूरों के साथ अभद्रता की, भट्टा मालिक से घर जाने की मांग कर रहे हैं मजदूर और छत्तीसगढ़ राज्य के रहने वाले हैं सभी मजदूर, भट्टा मालिक को मासूम बच्चों पर भी नहीं आया तरस, नवजात को तपती धूप में सड़कों पर लेकर निकले मजदूर महिला और मदद की गुहार लगाने उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे मजदूर, हयातनगर इलाके के बेनीपुर चक में वीआईपी भट्टे का मामला है। तो वहीं बदायूं में भी लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, वाहनों में ठूस ठूस कर भरे जा रहे हैं प्रवासी मजदूर, देश के कई राज्यों से पहुंचे यूपी के अंदर लाखों मजदूर हर जगह टूट रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के नियम, और ये एक बड़ा खतरा साबित होंगे। आपको बता रहे कि ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये आने वाले समय में एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है, हर जगह टूट रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के नियम, और ये सोशल डिस्टेंसिंग के नियम टूटने से साफ है कि आने वाले समय में एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। और सरकार और प्रशासन की मंशा को पानी फेर रहे हैं ये मजबूर मजदूर, तीन तीन प्रदेशों को पार कर रहे हैं जबकि सीमाएं सील कर दी गई हैं, पानीपत, दिल्ली आदि जगह से ये मजदूर आ रहे हैं, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं और बेरोक इन्हें कहीं भी न टोका जा रहा है न रोका जा रहा है, आखिर क्यों ये मजदूर मजबूर है जबकि सरकार और प्रशासन इनकी व्यवस्थाएं कर रहा है घर भेजने के लिए, फिर भी ये पैदल और जो है ई रिक्शा पर जाते हुए आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए दूसरे जनपदों और प्रदेशों को भी मुसीबत में डाल सकते हैं। सुनील मिश्रा, न्यूज वन इंडिया, बदायूं। खबर आगरा से है कि चालान काटने को लेकर आमने सामने पुलिस प्रशासन आ गए। आपको बता रहे हैं कलेक्ट्रेट चौराहे पर एक लेखपाल का पुलिस ने चालान काटा और मोटरसाइकिल पर सवार थे दो व्यक्ति। लेखपाल ने एसडीएम गरिमा यादव को सूचना दी, मैडम पूरे तामझाम के साथ कलेक्ट्रेट चौराहे पर पहुंची, पुलिस को जमकर हड़काया, डीएम और एसएसपी ने बैठक की, हालांकि डीएम ने मामले को सुलझाया। तो आपको बता रहे कलेक्ट्रेट चौराहे पर एक लेखपाल का पुलिस ने चालान काट दिया, जिसके बाद ये बवाल पूरा सामने आया। फिलहाल डीएम और एसएसपी ने आपस में बैठकर इस मामले को सुलझाया और तब जाकर यह मामला सुलझ सका। कोई विवाद नहीं है, सब एक साथ में एक प्लेटफॉर्म पे हैं, 24/7 सब लोग काम कर रहे हैं। अब तक की अपडेट क्या है? जो हमारा टीम है सबको देखना होगा, सब लॉकडाउन का पालन करना है सबको, चाहे कोई भी हो। मैं बताता रहा हूँ,
भाई कल हमें की शाम की सबकी स्थिति दोबारा मीटिंग हो गई है, सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे हैं और इस फाइट में सब लोग साथ काम कर रहे हैं, सब लोग का साथ सहयोग है। जहाँ तक संख्या की बात है, कल हमारे 4 केस नए आए थे, डिस्चार्ज की संख्या लगातार बढ़ रही है। अभी हम लोग आज अपने जो L1 फैसिलिटी है उससे 31 और नए डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो संख्या हमारा एक्टिव केस की संख्या जो कल जो संख्या थी 350 प्लस थी। खबर मथुरा से है जहां पर पूर्व लोकसभा प्रत्याशी से दारोगा की हॉट टॉक हो गई। आपको बता रहे पूर्व लोकसभा प्रत्याशी कुंवर नरेंद्र सिंह से हुई तूतू में भरतपुर गेट की बैरिकेटिंग पर तैनात थे दारोगा नरेंद्र सिंह को किसी ने फोन किया। अनजान व्यक्ति ने दारोगा पर लगाया था मारपीट का आरोप। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी पहुंचे थे बैरिकेटिंग पर, दारोगा ने अभद्रता की शिकायत पर मथुरा SSP गौरव ग्रोवर ने दारोगा को लाइन किया भेजा। खबर बहराइच से है जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, लगभग 38 लोग घायल हो गए, कई लोगों की हालत गंभीर है। पेड़ से यह ट्रक टकराया, प्रवासी मजदूरों को मुंबई से लेकर यह ट्रक आ रहा था, लगभग 38 लोग घायल हुए, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ड्राइवर को नींद आने से यह हादसा हुआ। फखरपुर थाना अंतर्गत NH 927 की यह घटना है। तो वहीं लखनऊ के मोहन लालगंज के अंदर बड़ा हादसा होने से टल गया। बैरियर में घुसी तेज रफ्तार रोडवेज बस और सिविल लाइन्स डिपोर के रोडवेज बस में यह हादसा हुआ। आपको बता दें दूर तक घसीटते हुए बैरियर को ले गई यह बस, VRV जवानों ने बस का पीछा करके रोका। बस के अगले हिस्से में मामूली आग लगी थी जिसे बुझाया गया। लखनऊ से इलाहाबाद जा रही थी रोडवेज की बस और बस में बैठे कई यात्रियों से बस ड्राइवर कंडक्टर ने पैसा लिया। फिलहाल PRV जवानों ने गरीब मजदूरों का पैसा वापस कराया। PRV के जवान ने मौके पर पहुंचकर यात्रियों की जान भी बचाई। खबर महोबा से जहां पर 66 मजदूरों से भरा ट्रक हादसे का शिकार हुआ। डंपर के टक्कर के बाद पलटा ट्रक, एक मजदूर घायल हो गया। मजदूरों को सुरक्षित रेस्क्यू कर निकाला गया बाहर। पनवाड़ी थाना क्षेत्र के बाईपास रोड की घटना बताई जा रही है। फिलहाल आपको बता दें पनवाड़ी थाना क्षेत्र के बाईपास रोड की घटना है, महोबा का मामला है।